क्या आप जानते हैं बड़े बड़े नेता और टीवी न्यूज एंकर सामने लिखी हुई स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ते हैं और जैसे लगता है मानो वह खुद सोच समझकर बिना देखे बोल रहे हैं। टीवी न्यूज एंकर की तो समझ में आता है, वह न्यूज को बताने के लिए सामने लिखी स्क्रिप्ट को टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से पढ़कर खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं द्वारा भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करना इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में हिस्सा लिए थे। इस समिट में पीएम मोदी द्वारा किए गए संबोधन की एक क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कोरोना काल में पीएम मोदी दावोस एजेंडा समिट में वर्चुअली शामिल हुए थे। जो क्लिप शेयर की जा रही है उसमें वह अपने संबोधन के दौरान बोलते बोलते रुक जाते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने निशाना साधा है। पीएम मोदी पर यह आरोप है कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाने की वजह से पीएम मोदी आगे नहीं बोल सके और चुटकी लेते हुए कहे, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। हम भारतीयों का टैलेंट जिस इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि पीएम मोदी की बोलते बोलते उनकी बोलती बंद हो गई। कारण था टेलीप्रॉम्प्टर का बंद हो जाना। विपक्ष ने भी इसका भरपूर मजा लिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। वही कांग्रेस ने लिखा कि अब टेलीप्रॉम्प्टर वाला शख्स भी बोल रहा होगा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं द्वारा काउंटर अटैक भी किया गया। जैसे दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा कि तकनीकी खामी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आई थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने संबोधन रोका। कुछ ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि खामी टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं थी, बल्कि मैनेजिंग टीम ने पीएम मोदी से रुक कर यह पूछने को कहा कि सबको उनकी आवाज आ रही है या नहीं। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। लेकिन विपक्ष द्वारा वीडियो को जिस तरह से शेयर किया जा रहा है, जैसे मानो पीएम मोदी की भाषण के दौरान बोलती बंद हो गई है।